सो हेलो दोस्तों, हम आ गए फिर से एक नया ब्लॉग लेकर। और आप लोगों को आज हम आए अपनी भाभी के घर, जो हमारे भैया हैं वकील हैं अभी फिलहाल रायबरेली कोर्ट में, और हम उनके घर आए हुए हैं। आज आपको उनके घर का पार्क दिखाते हैं। और हमारे बेटे जो है भतीजे, उन्होंने प्रिंस नाम उनका, उन्होंने एक रॉक्सी पाल रखा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी कुत्ता है वो। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा घर। हम आ चुके हैं प्रिंस साहब के घर और अब चल रहे हैं इनके घर की पार्क की तरफ। ये है पार्क से जाने का रास्ता। आइए प्रिंस, और ये रहा रॉक्सी, सो रहा है अभी। रॉक्सी सो रहा है, देखो ये थक गया, ये देख रहा है कि क्या लाए हैं। और ये रॉक्सी है इसका नाम। कोई भी आता है सबको ये देखो परेशान करने लगता है। ये देखो, ये हाँ, ये हम दिखाते हैं। ये हमारे भैया हैं, ये हमारे अखिलेश भैया हैं, वकील साहब हमारे भैया हैं। और ये रही भाभी, खाना बन रहा है घर में। देखिए क्या बना रही है भाभी। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए खाना तैयार हो रहा है। क्या बना रही है भाभी आप? मटन बन रहा है आज। मटन मटन बन रहा है। आपको और भी घर का पार्क दिखाते हैं सारे। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये फूल का पेड़ है, और ये रहा फूल का पेड़। बहुत ही अच्छा पेड़ है, बहुत ही अच्छा लगता है, गांव देहातों में ज़्यादा पाया जाता है। ये रहा गुलाब का पेड़, ये रहा जो गुलाब है अभी, इसमें फिलहाल एक ही दो फूल निकले हुए हैं। और ये तुलसी माता बहुत सारी निकली हुई हैं। तुलसी माता को आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और जिनके घर तुलसी माता निकलती बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग। जैसे ये तुलसी माता निकली हुई है, और आप लोग जानते होंगे कि ये सेतूत का पेड़। ये रहा सामने तीन चार पेड़ निकले हुए जो कि सेतूत के हैं। और अभी फिलहाल पता तो नहीं चल रहा है, वैसे गूगल करा था हमने इसलिए पता चला गूगल की वजह से कि सेतूत का पेड़ है। ये बाकी सारा जितना दिख रहा है तुलसी माता का पेड़ है, तुलसी माता का पेड़ है। और इधर जो है ये प्रिंस की साइकिल खड़ी है, और भी ऐसी कुछ घर का सामान पड़ा हुआ है। और हम आपको ले चलते, देखिए कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए छोटे छोटे फूल निकले हुए व्हाइट कलर के इसमें। ये देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया फूल निकले हुए हैं, लगा रखा है घर में, पूरा पार्क बना रखा है। आइए हम आपको ले चलते कड़ी पत्ते के पेड़ की तरफ। आइए ये है दोस्तों कड़ी पत्ते का पेड़, जो हम लोग कढ़ियों में यूज करते हैं, कढ़ी में डालते हैं, चटनी में डालते हैं, हर चीज़ में डालते हैं। कढ़ी पत्ते का पेड़ है, और कढ़ी पत्ते का पेड़ बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है खाने में कढ़ी पत्ता डालते के साथ ही। और आप एक बार अगर आपके घर में है तो कढ़ी पत्ता ज़रूर खाने में डालें, ठीक है। कढ़ी में डालकर तो बेशक ही खाएँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं भाभी का घर। और हमारी भतीजी ने पेंटिंग कैसी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है, उनका नाम कृषा है। आइए आइए हम दिखाते हैं हमारी भतीजी ने पेंटिंग बनाई है। देखिए ये सारी पेंटिंग हमारी भतीजी ने बनाई है, जिनका नाम तिरसा, घर में बोलते हैं एलएस, एलएस बोलते हैं। और बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, और बहुत ही उन्धा कलाकार है वो। आपको हम दो तीन दिन के अंदर अंदर उस कलाकार से मिलवाएंगे और उनकी पेंटिंग भी दिखाएंगे। और पेंटिंग देखने के लिए आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा, हमें पता है। इसलिए देखिए ये भी पेंटिंग उसी की बनाई हुई है, ये पेंटिंग उसी की बनाई हुई है। ये घर में जो फूल है ये भी उसी का बनाया हुआ है, ये रिबन का बना हुआ है फिलहाल अभी। और ये पेंटिंग देखिए, ये भी उसी ने बनाई है, एलएस ने, एलएस नाम है उनका, ये भी उसी ने बनाई है पेंटिंग। और ये जितनी पेंटिंग लग रही है घर में सब उसी ने बनाई है। ये दो तीन दिन के अंदर अंदर वो अभी कहीं गई हुई है, आते के साथ ही हम उनको मिलवाते हैं आप लोगों से अपने चैनल पे। और फिलहाल अभी हम भाभी के घर पर ही हैं, आए थे ऐसे घूमने, तो हमने देखा इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी है, तो हमने कहा लाओ आप लोगों को दिखा। देखिए उसी की बनाई हुई राधा कृष्ण की पेंटिंग है ये। ये देखिए हमारी भतीजी की बनाई हुई पेंटिंग है। आप लोग और भी उसकी पेंटिंग देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। ऐसे ऐसे उमदा कलाकार पड़े हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर। और आगे देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।